पिछले करीब 20 दिनों से चल रही खींचतान के बाद महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस बीच शिवसेना ने इस सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिवसेना की ओर वकील सुनील फर्नांडिस ने अर्जी दायर की है। शिवसेना ने अपनी याचिका में गवर्नर की ओर से पार्टी को सरकार गठन के लिए दिए गए समय को ना बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने लिखा है, संविधान के मुताबिक सरकार के आसार नहीं लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक राजभवन ने होम मिनिस्ट्री को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में संविधान के मुताबिक सरकार गठन मुश्किल है। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को इस्तेमाल करते हुए सूबे में प्रेसिडेंट रूल की अनुशंसा की है। आपको बता दें, रविवार से सोमवार तक शिवसेना की सरकार ना बन पाने के बाद सोमवार शाम को गवर्नर ने तीसरे बड़े दल एनसीपी को मौका दिया था। एनसीपी को मिला ये समय आज रात 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि एनसीपी की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है। इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक सरकार गठन को लेकर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से बातचीत के बाद इस फैसले को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल मुंबई आ रहे हैं और तीनों नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से चर्चा करेंगे, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। SPN9 न्यूज़ से नाज़िमिन की रिपोर्ट।